सामान्य मानवी जो करप्शन के कारण पीड़ित था, देश को करप्शन ने दीमक की तरह खोखला कर दिया है, ऐसे में भ्रष्टाचार के प्रति हमारी जो जीरो टॉलरेंस नीति है, आज देश ने हमें उसके लिए आशीर्वाद दिया है। आदरणीय सभापति जी, आज दुनिया भर में भारत की साख बढ़ी है, आज विश्व में भारत का गौरव हो रहा है और भारत के तरफ देखने का नजरिया भी एक गौरवपूर्ण नजरिया हर भारतवासी अनुभव करता है। आदरणीय सभापति जी, देश की जनता ने देखा है कि हमारा एकमात्र लक्ष्य नेशन फर्स्ट है, भारत सर्वप्रथम है, हमारे हर नीति, हमारे हर निर्णय, हमारे हर कार्य का एक ही तराजू रहा है कि भारत प्रथम, और भारत की इस प्रथम की भावना के साथ देश में जो आवश्यक रिफॉर्म थे उस रिफॉर्म को भी हमने लगातार जारी रखा है। 10 वर्ष में हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास इस मंत्र को लेकर के लगातार देश के सभी लोगों का कल्याण करने का प्रयास करती रही है। आदरणीय सभापति जी, हम उस सिद्धांतों को समर्पित है जिसमें भारत के संविधान के स्पिरिट के अनुसार सर्वपंथ संभव, उस विचार को सर्वोपरि रखते हुए हमने देश की सेवा करने का प्रयास किया। आदरणीय सभापति जी, इस देश ने लंबे अरसे तक तुष्टिकरण की राजनीति भी देखी, इस देश ने लंबे अरसे तक तुष्टिकरण का गवर्नेंस का मॉडल भी देखा, देश ने पहली बार सेक्युलरिज्म का एक पूरा हमने जो प्रयास किया और वो हमने तुष्टिकरण नहीं संतुष्टिकरण और संतुष्टिकरण के विचार को लेकर के हम चले हैं। और जब हम संतुष्टिकरण की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि हर योजना का सैचुरेशन, गवर्नेंस की आखिरी व्यक्ति तक पहुंचने की हमारी जो संकल्पना है इसको परिपूर्ण करना, और जब हम सैचुरेशन के सिद्धांत को लेकर चलते हैं तब सैचुरेशन सच्चे अर्थ में सामाजिक न्याय होता है, सैचुरेशन सच्चे अर्थ में सेक्युलरिज्म होता है, और उसी को देश की जनता ने हमें तीसरी बार बिठा करके मोहर लगा दी है। आदरणीय सभापति जी, अपीजमेंट ने इस देश को तबाह करके रखा है, और इसलिए हमने जस्टिस टू ऑल, अपीजमेंट टू नन इस सिद्धांत को लेकर के हम चले हैं। आदरणीय सभापति जी, 10 साल के हमारे कार्य को
देखने परखने के बाद भारत की जनता ने हमारा समर्थन किया है। आदरणीय सभापति जी, हमें फिर एक बार 140 करोड़ देशवासियों की सेवा करने का मौका मिला है। आदरणीय सभापति जी, इस चुनाव ने इस बात को सिद्ध किया है कि भारत की जनता कितनी परिपक्व है, भारत की जनता कितने विवेकपूर्ण रूप से और कितने उच्च आदर्शों को लेकर के अपने विवेक का सद्बुद्धि से उपयोग करती है। और उसी का नतीजा है कि आज तीसरी बार हम आपके सामने, देश की जनता के सामने नम्रता पूर्वक सेवा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। आदरणीय सभापति जी, देश की जनता ने हमारी नीतियों को देखा है, हमारी नियत, हमारी निष्ठा, उस पर देश की जनता ने भरोसा किया है। आदरणीय सभापति जी, इस चुनाव में हम जनता के बीच एक बड़े संकल्प के साथ देश की जनता के पास आशीर्वाद मांगने के लिए गए थे और हमने आशीर्वाद मांगा था विकसित भारत के हमारे संकल्प के लिए। हमने विकसित भारत के निर्माण के लिए एक प्रतिबद्धता के साथ, एक शुभ निष्ठा के साथ, जन सामान्य का कल्याण करने के इरादे से हम गए थे। जनता ने विकसित भारत के संकल्प को चार चांद लगा करके हमें फिर से एक बार विजयी बना करके देश की जनता की सेवा करने का मौका दिया है। आदरणीय सभापति जी, जब देश विकसित होता है तब कोटि कोटि जनों के सपने पूरे होते हैं। देश जब विकसित होता है तब कोटि कोटि जनों के संकल्प सिद्ध होते हैं। आदरणीय सभापति जी, जब देश विकसित होता है तब आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक मजबूत नींव उनके सपनों को पूरा करने के लिए तैयार हो जाती है। आदरणीय सभापति जी, विकसित भारत का सीधा सीधा लाभ हमारे देश के नागरिकों की गरिमा, हमारे देश के नागरिकों के क्वालिटी ऑफ लाइफ में सुधार, ये स्वाभाविक हमें विकसित भारत होने से देश के कोटि कोटि जनों के भाग्य में आता है। आजादी के बाद मेरा देश का सामान्य नागरिक इन चीजों के लिए तरसता रहा है। आदरणीय सभापति जी, जब विकसित भारत होता है तब हमारे गांव की स्थिति, हमारे शहरों की स्थिति, उसमें भी बहुत बड़ा सुधार होता है। गांव के जीवन में गौरव भी होता है, गरिमा भी होती है और विकास के नए नए अवसर भी होते हैं। हमारे शहरों का विकास भी एक अवसर के रूप में विकसित भारत में उभरता है, तब दुनिया की विकास यात्रा में भारत के शहर भी बराबरी करेंगे, ये हमारा सपना है। आदरणीय सभापति जी,
विकसित भारत का मतलब होता है कोटि कोटि नागरिकों को कोटि कोटि अवसर उपलब्ध होते हैं, अनेक अनेक अवसर उपलब्ध होते हैं और वो अपने कौशल्य अपनी क्षमता और संसाधनों के अनुसार विकास की नई सीमाओं को प्राप्त कर सकता है। आदरणीय सभापति जी, मैं आज आपके माध्यम से देशवासियों को विश्वास दिलाता हूँ कि विकसित भारत के जिस संकल्प को लेकर के हम चले हैं, उस संकल्प की पूर्ति के लिए हम भरसक प्रयास करेंगे, पूरी निष्ठा से करेंगे, पूरी ईमानदारी से करेंगे और हमारा समय का पल पल और हमारे शरीर का कण कण हम देशवासियों को विकसित भारत के सपने को पूरा करने के लगाएंगे। हमने देश की जनता को कहा था 24/7 फॉर 2047। आज मैं इस सदन में ही दोहराता हूं कि हम उस काम को अवश्य पूरा करेंगे। आदरणीय सभापति जी, 2014 के उन दिनों को याद कीजिए, उन 2014 के उन दिनों को याद करेंगे तो हमारे ध्यान में आएगा कि हमारे देश के लोगों ने उनका आत्मविश्वास खो चुका था, देश निराशा की गर्त में डूब चुका था। ऐसे समय 2014 के पहले देश ने जो सबसे बड़ा नुकसान भुगता था, जो सबसे बड़ी अमानत खोई थी, वो था देशवासियों का आत्मविश्वास। और जब विश्वास और आत्मविश्वास हो जाता है तब उस व्यक्ति को, उस समाज को, देश को खड़ा होना मुश्किल हो जाता है और उस समय सामान्य मानवी के मुंह से यही निकलता था कि वो इस देश का कुछ हो नहीं सकता। उस समय हर जगह पे ये 7 शब्द सुनाई देते थे, इस देश का कुछ नहीं हो सकता, यही शब्द 2014 के पहले सुनाई देते थे। भारतीयों की हताशा के इन 7 शब्द एक प्रकार से पहचान बन गए थे। उस समय हर आए दिन अखबार खोलते थे तो घोटालों की खबरें ही पढ़ने को मिलती थी और सैकड़ों करोड़ के घोटाले, रोज नए घोटाले, घोटालों की घोटालों से स्पर्धा, ये घोटालेबाज लोगों के घोटाले, इसी का एक कालखंड था। और बेशर्मी के साथ सार्वजनिक रूप से स्वीकार भी कर लिया जाता था कि दिल्ली से 1 रुपया निकलता है तो 15 पैसा पहुंचता है, 1 रुपये में 85 पैसे का घोटाला। इस घोटालों की दुनिया ने देश को निराशा की गर्त में डुबो दिया था। पॉलिसी पैरालिसिस था, फ्रेजाइल फाइव में पहुंच चुके थे,
भाई भतीजावाद इतना फैला हुआ था कि जिसके लिए सामान्य नौजवान तो आशा छोड़ चुका था कि अगर कोई सिफारिश करने वाला नहीं है तो जिंदगी अटक जाएगी, ये स्थिति पैदा हुई थी। गरीब को घर लेना हो हजारों रुपये की रिश्वत देनी पड़ती थी। आदरणीय सभापति जी, अरे गैस के कनेक्शन के लिए मेंबर पार्लियामेंट के यहाँ, सांसदों के यहाँ अच्छे अच्छों को चक्कर काटने पड़ते थे, और वो भी बिना कट के लिए गैस के कनेक्शन नहीं मिलते थे। आदरणीय सभापति जी, मुफ्त राशन भी पता नहीं कब बाजार में दुकान पर बोर्ड लटक जाए, हक का राशन नहीं मिलता था, उसके लिए भी रिश्वत देनी पड़ती थी। और हमारे ज्यादातर भारतीय भाई बहन इतने निराश हो चुके थे कि वो अपने भाग्य को दोष दे करके, अपने नसीब को दोष दे करके जिंदगी काटने के लिए मजबूर हो जाते थे। आदरणीय सभापति जी, वो एक वक्त था 2014 के पहले जब वो सात शब्द हिंदुस्तान के जनमन में स्थिर हो चुके थे, निराशा की गर्त में डूबा हुआ समाज था। तब देश की जनता ने हमें सेवा करने के लिए चुना, और वो पल देश के परिवर्तित युग का प्रारंभ हो चुका था। और 10 साल में मैं कहूंगा मेरी सरकार की अनेक सफलताएं हैं, अनेक सिद्धियां हैं, लेकिन एक सिद्धि जिसने हर सिद्धियों में भी जोर भर दिया, ताकत भर दी, वो थी देश निराशा की गर्त में से निकल करके आशा और विश्वास के साथ खड़ा हो गया। देश में आत्मविश्वास बुलंदी पर पहुंचा।